हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा, किस फील्ड में इनको प्रगति मिलेगी, कंस्ट्रक्शन के कार्य में लाभ होगा या हानि होगा, साझेदारी में व्यापार से आपको लाभ होगा या हानि होगा, सब बात हम आपको बताएंगे। और आज आपको सरकार से क्या लाभ होगा, सरकार से के क्षेत्र में क्या करेंगे, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, सावधानियां क्या बरतनी है, ये सब भी आज हम आपको बताएंगे। और आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कोई भी कार्य नया करना चाहते हैं तो उसमें किस तरीके से चैनलाइज करके करें ताकि आपको बड़ी सफलता मिले, अपने समय का आप सदुपयोग करें, ये सब बात भी बताएंगे। और यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आता है तो मेरे वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। आपके मन में ज्योतिष से संबंधित कोई भी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न जानना चाहते हैं तो आप इनबॉक्स में जाएं और अपना नाम लिखें, जन्मतिथि लिखें, जन्म समय और जन्म स्थान, और आप क्या जानना चाहते हैं प्रश्न लिखें, आपके प्रश्नों का उत्तर हम देंगे। अब आइए हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कि जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा। तो जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके लिए आज काफ़ी थोड़ा सा मतलब आपको लगेगा कि कार्य आपका नहीं हो रहा है, लेकिन ये आपका मन का भ्रम है। आप पूरी ऊर्जा के साथ लगिए, आपके जिस हिसाब से आप चाहते हैं, जो प्लान करते हैं उसमें आपको चतुर्दिक सफलता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, सरकारी नौकरी मिलेगी, नए तरह के कार्य से लाभ मिलेगा। यदि कोई नया कार्य, नया प्लान, नए व्यापार की योजना आपने बना रखी है तो उस योजना में भी आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी। माली हालत आपकी ठीक होगी, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, रोग और शत्रु परास्त होंगे, दूर देश की यात्रा का योग बन रहा है, तीर्थ यात्रा देशाटन का भी योग बन रहा है। जिस घर में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है तो उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी डिस्प्यूट घर परिवार में चल रहा होगा तो उसमें आपको विजयश्री मिलते हुए दिख रही है। संततियों की कर्म क्षेत्र में आप किसी प्रकार का दखल अंदाजी न करें, उनके ऊपर पैनी दृष्टि रखें, उनको इनकरेज करें, उनको सही रास्ता बतावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी में आप चाहते हैं कि आपका कोई बढ़िया करियर बन जाए, आप किसी अच्छे पढ़ाई लिखाई में जाना चाहते हैं, कहीं बढ़िया एडमिशन कराना चाहते हैं, तो आज आपका टेक्निकल फील्ड में IIT रुड़की, MNR या किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, किसी अच्छे संस्थान में आज आपके एडमिशन का योग बन रहा है। यदि आप मेडिकल फील्ड में मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं तो मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत ही बढ़िया है। यदि आप खिलाड़ी हैं, खेल क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप माया नगरी में हैं, फिल्म बनाते हैं, प्रोड्यूशन का काम करते हैं या कहानी लिखने का काम करते हैं, फिल्म बनाने का काम करते हैं, तो आज आपके अगर कोई फिल्म आ रही होगी तो फिल्म आपकी हिट हो सकती है। आज का दिन आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है, आज आपकी फिल्में पुरस्कृत भी हो सकती हैं, आज आपको काफ़ी यश, पद प्रतिष्ठा, वृद्धि होगी, विरोधी ईर्ष्या रखेंगे आपके प्रगति से, आज आपको सावधानी क्या बरतनी है। कोई भी काम रिएक्ट होकर के गुस्से में, प्रतिक्रिया में न करें, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। उपाय क्या करना है, आज आपको क्या करना है कि संकट मोचन श्री हनुमान जी की आराधना करें, बंदरों को केला खिलावें, आपके लिए अच्छा रहेगा। गरीब कोई विद्यार्थी है उसकी मदद करें। आपके लिए शुभ अंक है 1 और शुभ रंग है केसरिया। हरे कृष्ण।